सो वेलकम बैक टू गेमिंग एरा। तो यार कैसे हो सब लोग, उम्मीद है सब बढ़िया ही होगे। तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं श्रीमान लेजेंड के साथ। तो कोविड के इस बैड फेस के दौरान श्रीमान लेजेंड ने सभी सर्वाइवर्स की हेल्प करने के लिए चैरिटी स्ट्रीम करी अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर उन्होंने टोटल ऑफ 6,30,000 रुपीज कलेक्ट किए। एंड डोनेट करने के रिगार्डिंग उन्होंने कुछ ये कहा। इंपॉर्टेंट चीज, विद इन 2 डेज ये जो अमाउंट है वो किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को जाने वाले हैं। बहुत से लोग बोल रहे हैं हेमकुंट जो भी वो है, वो हेमकुंट जो भी है वो बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहा है। अगर मुझे कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलती तो विद इन 2 डेज हम वहां पे पैसे डोनेट कर देंगे। सिंपल बात है। ओके, अब मैं फाइनली जा रहा हूँ, वापस कल आने वाला हूँ। और सब कोविड की बात हो रही है तो रिसेंट के चैरिटी स्ट्रीम जिसमें 50 लाख डोनेशन कलेक्ट हुआ था, उसपे काफी पॉपुलर क्रिएटर्स ने जनता के सपोर्ट को अप्रिशिएट किया, जैसे आशीष चंचनाली, टीम एसिटियल, डायनमो एंड और भी काफी सारे लोगों ने इस पे रिएक्ट किया। और सो कोविड के रिगार्डिंग काफी लोग अपना बिजनेस नंबर पब्लिकली रिवील कर रहे हैं, जिससे लोगों की हेल्प करने में आसानी हो। लेकिन कुछ लोग इन नंबर्स पे सिर्फ बिग फैन वगैरह बोलने के लिए और आलोक मांगने के लिए ऐसी चीजों के लिए कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, जिससे जिनकी हेल्प करनी है उनकी हेल्प नहीं हो पा रही। तो आप में से यार अगर कोई ऐसा कर रहा है तो मत करो। ऑल्सो कोविड के रिगार्डिंग काफी गेमर्स आगे आए सपोर्ट करने में, जिसमें सब स्टोरीज को रिपोस्ट कर रहे हैं जिनको हेल्प चाहिए। तो रिसेंटली स्नैक्स गेमिंग ने एक स्टोरी शेयर करी थी जिसमें एक ओल्ड एज वुमेन को इंस्टेंट हेल्प चाहिए थी। तो एक बंदा ये कहता है कि उनको मर जाना चाहिए कॉज वो 80 साल की है। इस पे स्नैक्स गेमिंग ये कहते हैं कि वो हद से ज्यादा शौक है ऐसे लोगों को देख करके, एंड वो सोचते हैं कि ऐसे लोग क्या अपने घर वालों को भी ऐसा बोलेंगे, एंड वो कहते हैं कि माइंडसेट बदलना चाहिए। इस पे क्लच गॉड रिएक्ट करते हुए ये कहते हैं कि पबजी वाली कम्युनिटी ऐसे लोगों से भरी हुई है जिसमें लोग कुछ भी टाइप कर रहे हैं, जो भी मन में आ रहा है, एंड वो गोल्डन वर्ड्स कहते हैं कि अगर तुम्हें हेल्प करनी है देन यू आर वेलकम, एंड जिनको हेल्प नहीं करनी किसी ने उनके सजेशंस नहीं पूछे हैं। और सो घातक ने कोविड के बारे में एक मैसेज दिया सभी ऑडियंस को, मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइडर हो गया, मेडिसिन प्रोवाइडर हो गया, तो उसमें से बहुत सारे नंबर बंद है और कुछ लोग ये सारी चीजों का एक गलत एडवांटेज ले रहे हैं। तो जो भी थिंक ये नंबर शेयर करने से अच्छा जिन लोगों को ज़रूरत है इंजेक्शन की या फिर अदर मेडिसिन की, तो अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए नीचे, स्टोरी पोस्ट कीजिए, हमें टैग कीजिए, हम लोग रीशेयर करेंगे, और आपके सिटी का नाम डाल दीजिए नीचे, आपका कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए। और हाँ, जिसके पास भी ये सारे मेडिसिन और ऑक्सीजन, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो लगती है वो अवेलेबल है, तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट कीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है आप हेल्प कीजिए बस। और सब लोग प्लीज़ सेफ रहो, घर पे रहो। ये अपने पूरे इंडिया में ये जो कोरोना का सीन है, कोविड का सीन है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो प्लीज़ सब लोग अपने आप को घर पे रखिए और सेफ रहिए, और जितना ज्यादा हेल्प कर सकते हो एक दूसरे की उतना ज्यादा हेल्प करने का ट्राई कीजिए। अब बात कर लेते हैं दलजीत के बारे में। तो अगर हम बात करें टोटल ई-स्पोर्ट्स अर्निंग की, तो अब तक उन्होंने मेजर ई-स्पोर्ट्स टूर्नामेंट से अर्न किए $34,743, यानी कि इंडियन रुपीज में अगर बात करें तो 25,72,408 रुपीज। अब बात कर लेते हैं मॉर्टल के बारे में। तो रिसेंटली मॉर्टल ने अनाउंस किया कि जल्दी उनकी तरफ से कुछ ना कुछ एक्साइटिंग आने वाला है जल्दी। और सो एसयूटीएल की आगे हम बात करें तो K18 ने कंप्लीट कर लिया 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर, एंड वो लाइव गंजे होते हुए भी नजर आए, बट वो लाइव स्ट्रीम उन्होंने प्राइवेट कर दी थी, एंड अभी मांबा के व्लॉग में आप उनको देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं एपेक्स लेजेंड मोबाइल गेम के बारे में। तो एपेक्स लेजेंड मोबाइल गेम ऑफिशियली प्ले स्टोर पर बीटा वर्जन में लॉन्च हो चुका है, वो भी सिर्फ इंडियन प्लेयर्स के लिए। हालांकि सभी लोग ये अभी नहीं खेल सकते, एंड इस गेम का ऐप साइज है 1.3 GB। एंड खेलने में यार कैसा, और गेम प्ले और ग्राफिक्स की अगर बात करें तो सिंपली मैं आपको इन गेम लुक दिखा देता हूं ऑन स्क्रीन। Round 1, beginning ring countdown. अब बात कर लेते हैं आसाम अर्थक्वेक के बारे में। तो पहले तो यार कमेंट में ये मत कहना कि गेमिंग न्यूज नहीं है तो ये क्यों दे रहा है, ये सभी को जानना चाहिए क्योंकि ये क्रिटिकल चीज हुई है जो काश यार नहीं हुई होती। तो असम में 6.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया हाल ही में, जो लिटरली यार बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट था। इस अर्थक्वेक से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, एंड काफी बिल्डिंग्स और कितने घर यार तबाह हो गए,
एंड पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बात करी वहाँ के सीएम से ताकि जो डैमेज हुआ है वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। तो वापस से बढ़ चलते हैं गेमिंग न्यूज की तरफ और अब हम बात कर लेते हैं जाया के बारे में। तो रिसेंटली एक हेटर जाया के कमेंट सेक्शन में कुछ इस टाइप का कमेंट करता है जो ऑन स्क्रीन आप पढ़ सकते हो एंड जाया इस पे कंफ्यूज नजर आती है। मीनवाइल मेन गेमर्स को पॉइंट आउट करते हुए रॉनी ये कहते हैं कि एटलीस्ट वो क्यूट कह रहा है, मेल गेमर्स को अगली बुलाया जाता है फिर डिसलाइक दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं स्काउट के बारे में। तो रिसेंटली स्काउट एक क्वेश्चन रेज करते हैं कि वो चाइना के टूर्नामेंट को एनालाइज कर रहे थे एंड उनके मन में ये क्वेश्चन आया कि ग्लोबल टूर्नामेंट एफपीपी क्यों नहीं हो सकते, वो टीपीपी से बेटर है। एंड आपको इसके बारे में क्या लगता है कि एफपीपी टूर्नामेंट ज्यादा बेटर होते हैं इन कम्पेयर टू टीपीपी या टीपीपी ज्यादा बेटर होते हैं इन कम्पेयर टू एफपीपी, मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। अब बात कर लेते हैं वैलोरेंट गेम के बारे में। तो वैलोरेंट के न्यू पैच अपडेट के बाद जिसमें ब्रीज मैप हमें देखने को मिला, काफी गेमर्स के पीसी क्रैश होते हुए नजर आए, जिसके रिगार्डिंग वैलोरेंट के ऑफिशियल्स ने ये अपडेट दिया कि जिन लोगों को ये फेस करना पड़ा वो प्लीज वैनगार्ड को अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल कर लें एंड इसका परमानेंट सॉल्यूशन जल्दी आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं गेमिंग इंडस्ट्री के इंपॉर्टेंस के बारे में। तो अगर हम बात करें गेमिंग इंडस्ट्री के इंपॉर्टेंस की तो यार हमें बस लगता है कि गेमिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है, बट आफ्टर अ रिसर्च गेमिंग इंडस्ट्री बाकी इंडस्ट्री लाइक स्ट्रीमिंग वीडियो, बॉक्स ऑफिस, म्यूजिक इन सबसे डबल ट्रिपल है एंड गेमिंग इंडस्ट्री का साइज है $152 बिलियन एंड बाकी सबका 42, 43, 21 बिलियन डॉलर इतना ही है, जो मिला करके भी गेमिंग इंडस्ट्री के इक्वल भी नहीं है। खैर अब बात कर लेते हैं आपके फेवरेट पबजी एंड इंडिया के बारे में। तो यार काफी अप्स एंड डाउन्स के बाद फाइनली एक ग्रीन सिग्नल देखने को मिल रहा है, कहां दिवाली पर, फिर जनवरी, फिर फरवरी, फिर होली, फिर अप्रैल, बहुत सा है यार। हर बार ऐसा लगता था कि यार गेम अब आ रहा है बट ऐसा नहीं होता था, बट अभी एक स्ट्रॉन्ग लीक, कहें तो काफी स्ट्रॉन्ग लीक एंड ग्रीन सिग्नल जो आ रहा है वो ये कि मई वो महीना है जिसमें ऑफिशियली दो अनाउंसमेंट बाहर आएगी गेम के रिगार्डिंग जो कि कमबैक कर रहा है एंड इसके रिगार्डिंग बात करी क्रॉन्टन, ओशियन, जोनाथन सभी ने एंड ओशियन ने क्लियर स्टेटमेंट दिया कि एपेक्स लेजेंड वर्सेस पबजी मोबाइल जल्दी होने वाला है, कुछ दिन और रुक जाओ, आज एक और कंफर्मेशन मिल गई है। तो एक बंदा उनको ये कहता है कि ये फेक रूमर्स अब मत फैलाओ, तो बेसिकली वो ये कहते हैं कि दिवाली के टाइम पे भी सब सही कहा था, इनफैक्ट ट्रेलर भी आप सबने देखा ही था, बट गवर्नमेंट बीच में आई थी उस समय एंड लकीली इस बार नहीं कटेगा। और एक बंदा ये कहता है कि स्काउट भी पबजी मोबाइल इंडिया के न्यू ट्रेलर में है, तो ओशियन कहते हैं कि सब कुछ हमसे पूछते रहोगे, तो जब ट्रेलर आएगा तो वो हाइप नहीं रहेगी एंड जब आएगा तो खुद ही देख लेना। एंड हाल ही में ओशियन ने ये कहा कि मई महीने में दो बड़ी अनाउंसमेंट आएंगी जो उन्होंने ऑफिशियल मेंबर से कंफर्म किया है एंड अब वो दो अनाउंसमेंट क्या होंगी वो उनको भी नहीं पता, बट न्यू ट्रेलर बन रहा है एंड टू कंफर्म अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी मई महीने में। एंड वॉर मेनिया ने अपने टूर्नामेंट के रिगार्डिंग ये कंफर्म किया कि काफी लोग कंफ्यूज थे कि ये टूर्नामेंट इंडियन वर्जन के लिए या केआर वर्जन के लिए, तो उन्होंने रिवील किया कि बस कुछ दिन और वेट करो, बहुत जल्दी पता चल जाएगा, #PUBG Mobile #PUBG Mobile India। एंड वॉर मेनिया ने डेट रिवील करी कि 1 मई को शाम 4 बजे उनके टूर्नामेंट के रिगार्डिंग एक अनाउंसमेंट आएगी एंड ये टूर्नामेंट जैसा कि मैंने कुछ वीडियोस पहले बताया था कि सिर्फ इंडियन ऑडियंस के लिए होने वाला है। नाउ टॉकिंग फर्दर, जोनाथन ने रिसेंटली ये कहा कि वो हद से ज्यादा एक्साइटेड है आप सबको जोनाथन 2.0 से मिलवाने के लिए यूट्यूब पर एंड उन्होंने ये कंफर्म किया कि ना ये पीएमपीएल अरेबिया की एक्साइटमेंट है, ना ही अभी कोई न्यू होम और ना ही कोई बूटकैम्प से रिलेटेड एंड वो कहते हैं कि अब बूम बाम ग्राइंड करना चालू करना पड़ेगा, पॉज ये एक्साइटमेंट बहुत ही ज्यादा है। तो यार कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि ये पबजी मोबाइल इंडिया के रिगार्डिंग ही है, उनकी एक्साइटमेंट। तो यार आपको इसके बारे में क्या लगता है और आपको मे मंथ के दो अनाउंसमेंट के बारे में क्या लगता है कि वो दो बड़ी अनाउंसमेंट क्या होने वाली है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बस यही थी आज की सारी गेमिंग न्यूज एंड अपडेट्स। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और आज की वीडियो में यार एम रखते हैं 8,000 लाइक्स, करवा दो यार। बाकी पबजी मोबाइल इंडिया के रिगार्डिंग अनाउंसमेंट आई रही है मई महीने में, वो भी दो और वो भी ऑफिशियली कंफर्म्ड है। 8,000 लाइक्स तो यार करवा दो, इतने तो बनते हैं। तो यार मैं भी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपना रेक्स signing off.